ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ चयन बोर्ड, ये बच्चे लोअर टू के अभ्यर्थी हैं जो कि रिजल्ट के लिए तीन दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज इन्होंने हार के कैंडल मार्च का सहारा लिया। आज ये लोग हार के कैंडल मार्च का सहारा लिया है जो कि शासन प्रशासन के कानों तक पहुंच नहीं रही है। ये बच्चे कई दिन भूख हड़ताल में बैठे हैं, ना खाना खाते हैं, ना कुछ करते हैं। आयोग के को घेर के काफी दिन से बैठे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी सुन नहीं रहा है एक भी। लोअर टू अधीनस्थ चयन बोर्ड ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। ये अपने रिजल्ट की डिमांड करते हुए आज कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। ये UP SSSC अधीनस्थ चयन बोर्ड से होते हुए ये पिकअप बॉन से होते हुए निकलने गोमती नगर की तरफ शांतिपूर्ण मार्च निकालते हुए ये रिजल्ट के मांग कर रहे हैं। इसका आयोग ने अनदेखी करी है। कई साल हो गए हैं, 3 साल हो गया। 2016 की वैकेंसी है, ये अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई। इसका रिजल्ट जारी करने के लिए आयोग आनाकानी कर रहा है। पता नहीं क्या उसके अंदर है, क्या चल रहा है उसके अंदर। इसको इनको कुछ बता रहा है ना, कुछ अनुशासन दे रहा है, बस आजकल में टालते चला जा रहा है। बच्चे परेशान हैं कई महीनों कई साल से, लेकिन रिजल्ट की कोई ऐसी सूचना अभी तक आयोग से नहीं मिली है। काफ़ी बच्चे, करीब 300-400 बच्चे हैं लगे हुए, 300-400 बच्चे हैं जो लोअर टू की डिमांड कर रहे हैं रिजल्ट की, अभी तक इनका कोई रिजल्ट नहीं मिला। लोअर टू अभ्यर्थी जो लोअर टू के रिजल्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज इनका कैंडल मार्च है जो कि पिकअप भवन लखनऊ वहां से होते हुए गोमती नगर की तरफ बढ़ रहा है। शांतिपूर्ण धरना ये देते हुए और आप पिकअप भवन से निकलते हुए ये सीधे गोमती नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इन्हें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते आज ये आयोग का घेराव किए। आज कई दिन से बिना खाना पीना खाए ये अनशन कर रहे हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी नहीं सुन रहा है। आप देख सकते हैं ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। हम आपको बात करके बताते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से। आप कहाँ से भैया? आप इलाहाबाद से। आप भैया? बरेली। आप भैया? आजमगढ़। आप देख सकते हैं कि ये लोग इतने दूर से आए हैं, इनका सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब ये विद्यार्थी हैं, आप बेरोजगार हैं, अब इनके पास न पैसा है न कुछ है, यहाँ पे किसके सहारे रुके हुए हैं, खाना पीना कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये बेचारे लाचार हैं, ये कहाँ जाएं? ये एग्ज़ाम देने के बाद अपने परीक्षा परिणाम के इंतज़ार में ये लड़ाई लड़ते हुए हैं। आप बताइए कि ये कहाँ क्या करें, किसके पास जाएं? आप देख रहे हैं ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च जो कि गोमती नगर की तरफ बढ़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे कितने परेशान हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अधीनस्थ चयन बोर्ड UP SSSC लखनऊ, ये बच्चे 2 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण धरना चल रहा है जिसके कारण अभी तक जो है यहाँ के अध्यक्ष सचिव या कोई भी अधिकारी इनसे बात करने नहीं आया। ये शांतिपूर्ण धरना देते हुए आज कैंडल मार्च निकाले हैं। शासन प्रशासन इनकी न सुन रहा है, न आयोग सुन रहा है। ये एकदम लाचार होके आज सरकार को बताना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना देते हुए हम रिजल्ट चाहते हैं। ये उपद्रव नहीं करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते, अपने रिजल्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 3 साल हो गया, 3 साल से ये सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आयोग आज कल परसों में रिजल्ट टालता चला जा रहा है। जैसे ही ये बच्चे मिलने की कोशिश करते हैं, इन्हें सिर्फ बहाना बना दिया जाता है कि आप आज ही 15 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर ये बच्चों को बोला जाता है कि हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रशासन के हाथ में है। जब ये प्रशासन के पास जाते हैं तो ये बताते हैं कि शासन के पास है, आप आयोग जाइए। और जब आयोग आते हैं तो आयोग वाले बोलते हैं ये शासन के पास है। ये लाचार होके यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। अब इनकी ना आयोग सुन रहा है ना शासन। आप बताइए कि ये क्या करें। प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इनका सपोर्ट चाहिए। आप जितना भी हो सके इनके साथ आइए और लोअर टू का रिजल्ट घोषित कराइए। आप देख सकते हैं कैंडल मार्च, ये लोअर टू के अभ्यर्थी हैं, लोअर टू अधीनस्थ चयन बोर्ड। ये 2016 की वैकेंसी, अभी तक इन लोग को कभी भी कुछ कोई सुनवाई नहीं, बस इनको अनदेखी किया जा रहा है। ये बच्चे बहुत परेशान हैं, ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं।